नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। अवैध कच्ची शराब को लेकर होने वाली घटनाओं को दावत देते कच्ची शराब के भट्टे, जहां रोजाना सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बनाकर सस्ते दरों पर ग्रामीणों को बेचे जा रहे हैं। वाकया तब प्रकाश में आया जब स्थानीय ग्रामीण महिलाएं इसकी शिकायत कर थक गई और भ्रष्टाचार में लिप्त स्थानीय पुलिस और आबकारी कोई कार्यवाही नहीं की। भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों से तंग आकर ठेकेदारों के विरोध करते हुए ग्रामीण महिलाओं व युवकों ने कच्ची शराब बनाने के लिए खेत में गाड़े गए डिब्बों को खुद ही खोद कर निकालकर प्रशासन को दिखाने के लिए रख दिया। कच्ची शराब से बिक्री से अपने पतियों और ठेकेदारों के उत्पीड़न से तंग आकर ग्रामीण महिला जिला मुख्यालय स्थित सरयू पांडे पार्क में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुई। तहसील दिवस में उपस्थित उप जिलाधिकारी सदर को अपना शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा और अवैध शराब कारोबारियों पर कार्यवाही की मांग करने लगे। गाँव की दारू बंद कराने के लिए मैं जा रहा हूँ तो वो लोग मारने लगते हैं या फिर भी थाना में जाते हैं तो थाना भी सुनवाई नहीं करते। आया करके पता ना कहाँ पर जाते हैं, कहाँ करते हैं, अपना चला जाते हैं। कई बार गए, सोचना कई बार दिए, नहीं सुनते हैं लोग। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करके चले डीएम साहब के यहाँ, तो आप डीएम साहब के कहेंगे तो हमारी सुनवाई हो। तो हम सोचते हैं कि हमारे गाँव की दारू बंद हो जाना चाहिए, गांव में नहीं छूना चाहिए। किस गांव का मामला है ये? बौरी गांव की मामला है, जैसे बिन टोला। हाँ भैया, दारू का मामला ये बात मर्द बोलते हैं, मर्द पीते हैं, दारू लेकर के परेशान करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दारू बंद हो जाए। दारू बंद करने के लिए हम लोग गए थे तो ईटा पत्थर से मारते हैं, कपार फोड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। किस जगह का मामला है ये? बौरी का। अच्छा, क्या आप लोग ने शिकायत की थी किसी अधिकारी से? हम लोग थाना में दो दरखास्त दिए थे, पुलिस नहीं सुनते हैं, नहीं धर पकड़ करते हैं। हम लोग मार खाए, मर्दों का मार खाए, दारू चुवाने वाले को मार खाए। यहाँ किसको विज्ञापन आपने दिया है? हाँ, हम लोग दरखास्त थाना पर दू दिए, सिपाही एक नहीं गए थे। वो पैसा दे देता है, वो लोग चुपचाप पटा जाते हैं, धर पकड़ करते ना।